भोजपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने बताया कि ब्लॉक में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। साथ ही चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने सभी लोगों से अपील की है कि सभी इस बीमारी से बचाव के लिए अपना टीकाकरण अवश्य करा लें। सामुदायिक केंद्र पर उनके साथ पूरा स्टाफ कंचन, शिखा और मोहम्मद उवैस भी इस वैक्सीनेशन के कार्य में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब अगले चरण में पत्रकार बंधुओं को 8 अप्रैल से टीका लगाया जाएगा। हमारे वहाँ पर COVID-19 वैक्सीनेशन 45 और उससे ऊपर के जो भी कोमोर्बिडिटी है, जो बीमार व्यक्ति है, और अब तो 45 से ऊपर सभी को लग रही है और अच्छा इनिशिएटिव मिल रहा है। इसमें जिला प्रशासन, DM सर, CMO सर, DIU साहब, बाकी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और UP गवर्नमेंट का कि हम बिल्कुल फ्री हर दिन 7 केंद्रों पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 7 केंद्रों पे हर दिन फ्री टीकाकरण उपलब्ध है। टाइमिंग है इसकी 10 से 5, तो बाकी सपोर्ट मिल रहा है, कुछ सपोर्ट नहीं है। हम कम्युनिटी से अपील कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सब लोग आके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जो मेरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे जाके हर दिन 10 से 5 टीका लगवा सकते हैं। कितने लगभग टीके लग रहे हैं दिन में आपके? लगभग 600-700 टीके हर दिन लग रहे हैं। अच्छा, जैसे आप बीमारी जोर पकड़ रही है तो क्या अपील करना चाहते हैं आप लोगों से? यही अपील है कि टीका लगवाएं 45 से ऊपर वाले सारे लोग, 2 गज की दूरी बना के रखें, साबुन से हाथ धोते रहें बार बार, और मास्क जरूर लगाएं। सावधानी ही सुरक्षा है इसमें, बस यही अपील है। लगेगा तो सभी को, लेकिन एक विशेष समूह के जो संबंधित कर्मचारी हैं उनको टीकाकरण होना है। तो इसमें 8 और 9 अप्रैल 2021 को पत्रकार एवं मीडिया से संबंधित व्यक्ति एवं खुदरा एवं बड़े दुकानदारों को टीका होना है। 10 अप्रैल को बैंक एवं बीमा कर्मचारी को टीकाकरण होना है। 12 और 14 अप्रैल को स्कूल एवं कॉलेज के शिक्षक, 15-16 अप्रैल को ऑटो रिक्शा, बस, टैक्सी ड्राइवर, फेरी वाले एवं निर्माण कर्मचारी, 17 से 19 अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर को छोड़कर, 20 से 21 अप्रैल न्यायपालिका कर्मचारी एवं वकीलों का होना है इसमें, 22 और 23 अप्रैल को निजी कार्यालयों के कर्मचारी को। तो ये रोस्टर आया हुआ है, इसके हिसाब से हम टीकाकरण करेंगे। बाकी 45 से ऊपर होता रहेगा, जैसे जैसे गाइडलाइन आती रहेगी वैसे हम पूरा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।